नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फोर सक्सेस में तो आज की इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं रेलवे में भर्ती घोटाला कई अफसर के घेरे में से बी में केस तो आज की इस वीडियो हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल से जानने वाले हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो आप लोग ये देख सकते हैं रेलवे टेक्नीशियन ने खोली बहाली की दुकान तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो टाइटल स्टार्ट किया गया है रेलवे टेक्नीशियन ने खोली बहाली की दुकान और यहाँ पे जो दिया हुआ है रेलवे में भर्ती घोटाला कई अफसर सक के घेरे में सीबीआई में केस तो सीबीआई में जो है केस हो चुका है कई अफसर भी है जो है शक के घेरे में हैं तब तो उसके सीबीआई बी आई उसकी जाँच करेगी पूछताछ करेगी तो धन्यवाद के दो सगे भाइयों समेत झारखंड बिहार के दर्जनों युवकों को पैसे लेकर थमाया फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तो हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल से जानने वाले हैं तो आप मेरे चैनल पर अंतिम तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा तो केस दर्ज होने के बाद टेक्नीशियन शशि टेक्नीशियन शशि भूषण पर फरार जो है वो जो केस दर्ज होने के बाद जो वो फरार हो गए यहाँ पे दिया हुआ है 2019 से इक्कीस तक चली चला ठगी का खेल शिकायत मिलने पर हुई विजिलेंस जांच शुरू सीबीआई की गत वर्ष मई में केस रेफर हुआ सीबीआई इंस्पेक्टर ने 28 दिसंबर को भेजी वेरिफिकेशन रिपोर्ट इकतीस जनवरी दो को पटना सी में एफ दर्ज तो हम लोग यहाँ सब चलिए शुरू से, से यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है धनबाद रेल मंडल में भर्ती घोटाला सामने आया है कोडरमा के पास स्थित टनकुप्पा में टेक्नीशियन के पद पर तैनात शशि भूषण शशि भूषण कुमार ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तर्ज पर बहाली की दुकान खोली है उसने अभ्यर्थियों को फांस कर आवेदन मंगाए छः से नौ लाख रुपए लेकर हाजीपुर के सीनियर डिविजनल पर्सनल अफसर के नाम से जारी पोर्टर का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया इसमें वेतनमान बावन सौ से बीस हज़ार दो सौ व ग्रेड पे अठारह सौ एलवन निर्धारित किया गया है जब अभ्यर्थी पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद बरौनी सोनपुर हाजीपुर और बेगूसराय स्टेशन पर ज्वाइन करने पहुंचे तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ अभ्यर्थियों को शिकायत पर हाजीपुर मंडल की रेलवे विजिलेंस ने जांच की तो एक बड़े रैकेट और अधिकारियों की संलिप्तता की जानकारी मिली डिप्टी चीफ विजिलेंस अफसर संतोष कुमार ने सीबीआई को पत्र भेजकर विस्तृत जांच की आग्रह किया इसके बाद 31 जनवरी को पटना सीबीआई ने शशि भूषण समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है सीबीआई इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने भी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भर्ती सी में कई अधिकारियों के शामिल होने का शक जताया है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं फिर यहां पर दिया हुआ है एफआईआर दर्ज करने से पहले सीबीआई इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने प्राथमिक जांच की इसमें पता चला कि आरोपी टेक्नीशियन शशि कुमार ने अभ्यर्थियों से कितने रुपये लिए हैं तो यहाँ पर जो आप लोग जो है यहाँ जो सी इंस्पेक्टर हैं उसने पहले टेक्नीशियन शशि भूषण कुमार के जो अभ्यर्थियों के कितने पैसे लिए उसकी जांच की उन सभी की मेडिकल जांच रिपोर्ट धनबाद रेलवे स्टे धनबाद रेलवे अस्पताल में कराई तीन अभ्यर्थियों से नौ पॉइंट बीस लाख अपने खाते में ट्रांसफ़र कराएँ अन्य से छत्तीस लाख कैश लिए उन्हें लिख कर दिया गया कि पैसे कर्ज ले रहा हूँ कर्ज न चुका पाया तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूँ यहाँ पे दिया हुआ है बारह अभ्यार्थियों ने सीबीआई को दिए पैंतालीस लाख रुपए के सबूत तो बारह अभ्यार्थियों जो है वो जो है पैंतालीस लाख रुपए देने का जो है वो सबूत सीबीआई को दे चुके हैं तो यहाँ पे चलिए डिटेल से देखते हैं क्या दिया हुआ है ठगी के शिकार बने बारह अभ्यर्थियों सीबीआई के पटना ऑफिस पहुँच और शशि भूषण को पैंतालीस पॉइंट साठ लाख रुपए देने के सबूत सौंपे हैं इसमें धनबाद के साउथ बलिहाली बलिहारी कुसुंडा में रहने वाले दो सगे भाई अप्पू कुमार और योगेंद्र कुमार भी शामिल थे इसमें जो है वो दो भाई जो है शामिल हैं अप्पू कुमार और योगेंद्र कुमार शामिल हैं इन अभ्यर्थियों ने पैसे देने के सबूत के साथ कुछ वीडियो भी जाँच एजेंसी को दिए हैं आरोपी कि पत्नी बोली पैसे मांगें तो रेप केस में फंसा दूंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट में लिखा है कि बारह अभ्यर्थियों से ठगी से जुड़े साक्ष्य मिले हैं आरोपी के ख़िलाफ़ भी कई सबूत मिले अभ्यर्थी ने कुछ ऐसे वीडियो भी दिए हैं जिसमें स्पष्ट हुआ कि पैसे वापस मांगने पर फंसाने की धमकी दी गई है एक वीडियो में रेलकर्मी की पत्नी एक अभ्यर्थी से कह रही थी कि पैसे मांगी तो रेप केस में फंसा दूंगी तो गैर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एक, एक स्कैम हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे में बहुत सारे नकली बहाली होती है और उसके बाद यहाँ पर जो छात्र इसके लिए डिजर्व करते हैं उसको वैकेंसी नहीं दी जाती है तो आशा करूँगा कि सी जो अच्छे से अच्छे केस की जाँच पड़ताल करे और सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है जय हिंद जय भारत वंदे मातरम